नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को सफ़ेद बालों को जड़ से काला करने का एक बहुत ही देसी और तेज़ी से असर करने वाला तरीका बताऊंगा। यह नुस्खा लड़कों और लड़कियां दोनों के बालों पर यह काम करता है। यह रेमेडी इतना कारगर है दोस्तों कि जब आप पहले दिन इसे लगाएंगे तो पहले दिन से ही आपको इसका थोड़ा थोड़ा असर आपके बालों पर दिखने लगेगा और कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से यह आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काला, खूबसूरत और चमकदार कर देगा। यह नुस्खा बालों को काला करने के साथ साथ बालों को जड़ से काला उगाने पर भी फोकस करता है। और जो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो चीज़ मैं आप लोगों के लिए ढूंढ करके लाया हूं, शायद इसके बारे में आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताया होगा। और यह नुस्खा आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काला करने में आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। एक बार अपने बालों के लिए इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बाल उतने सफ़ेद नहीं होते, लेकिन उतने काले भी नहीं होते, अजीब से भूरे भूरे से होते हैं या उनका रंग उड़ा हुआ होता है। तो जो लोग अपने बालों को जड़ से काला करना चाहते हैं, उतने उनके बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं, वो लोग भी इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बालों में जान डाल सकते हैं। और बालों को जब काला करने की बात आती है दोस्तों, तो बहुत सारे लोग डाई करते हैं, रंगने की कोशिश करते हैं, जिससे बाल और भी ज़्यादा टूटने झड़ने लगते हैं और वो डाई का कलर तो एक दिन चला ही जाता है, बाल तो सफ़ेद वापस हो ही जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार अंतिम तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। किसी भी कारण से, वंशानुगत हो, मेलानिन की कमी हो, खराब पानी, खराब खाना, पोल्यूशन, स्ट्रेस, किसी भी कारण से अगर सफ़ेद बाल हैं आपके, तो उसे काला करने में हर रेमेडी आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। दोस्तों, इस रेमेडी में सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है, लगभग आधा चम्मच आपको लेना है शुद्ध मेथी दाना। मेथी दाना का पाउडर आपको आधा चम्मच लेना है, ठीक है। मेथी दाने के अंदर बालों को काला करने की ज़बरदस्त क्षमता पाई जाती है, यह बालों को ग्रोथ भी देता है। उसके बाद दोस्तों, आपको इसमें आधा चम्मच लेना है कलौंजी के बीजों का पाउडर। कलौंजी के बीज काले काले दाने जैसे होते हैं और इनके अंदर भी बालों को लंबा करने की, काला करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। तो आधा चम्मच मेथी दाने का पाउडर और आधा चम्मच कलौंजी के दानों का पाउडर, दोनों को लेकर के आप मिक्स कर लें। उसके बाद दोस्तों, आपको उसमें मिक्स करना है लगभग एक से डेढ़ चम्मच आप उसमें शुद्ध नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल मिला लें, ठीक है। शुद्ध नारियल का तेल, नारियल का तेल ऐसा है दोस्तों कि यह हर एक लोगों को फ़ायदा ही करता है, सबसे अच्छी बात है, बहुत ही सुरक्षित तेल है, ठीक है। तो आप नारियल का तेल लें, ठीक है, एक से डेढ़ चम्मच आप अपने हिसाब से ले लें। उसमें आप कलौंजी के बीज और ये जो मेथी दाने के बीजों का पाउडर को मिक्स कर लो। उसके बाद दोस्तों, आपको इसमें आखिरी चीज़ क्या करनी है, लगभग आधा चम्मच आप जो गुड़हल के फूल होते हैं, जिसे हिबिस्कस फ्लावर कहते हैं, चाइना रोज कहते हैं, गुड़हल का फ्लावर, गुड़हल का फूल आपके घर के आसपास होगा, किसी भी रंग का हो, उन फूलों के अंदर दोस्तों बालों को लंबा करने की, बालों को मजबूत करने की, बालों को काला करने की, बालों को स्मूथ करने की, बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है गुड़हल का फूल। तो आप गुड़हल के फूल को ले लें और उससे आप क्या करें कि सुखा करके उसका पाउडर तैयार कर लें और लगभग आधा चम्मच पाउडर आप इसमें मिला दें, ठीक है। और इन सबको मिक्स करके आपस में आप बालों पर एक लेप की तरह लगा लें, पूरे बालों के जड़ों तक मालिश करें, सिरे तक लगा लें, आधे घंटे लगा कर रखें, आधे घंटे के बाद आप धो लें। हर दिन इसका प्रयोग कर दोस्तों, आप पाएंगे कि यह रेमेडी आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काला करेगा और बाल लंबे भी होंगे और मुलायम भी बहुत ज़्यादा। पहले दिन से आप जब हाथ फेरोगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ भी होंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।